जय हिंद। जय हिंद। किसी भी छोटे गांव में या किसी भी एक छोटे स्टेट की सबसे बड़ी परेशानी जो होती है पलायन होता है, यानी कि माइग्रेशन होती है। माइग्रेशन की वजह अगर पूछी जाए तो दो बड़े कारण सामने आते हैं। एक है बेरोजगारी, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, परिवार को नहीं पाल सकते। दूसरी शिक्षा, शिक्षा का अभाव है, बच्चों को उज्जवल भविष्य नहीं दे सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते। तो मैं इस वक्त हूँ अपने गांव में, यानी ग्राम रमूल सारी में है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपने, क्योंकि शुरुआत कहते हैं ना घर से ही होती है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आज अपने गांव के स्कूल में जाऊं और देखूं शिक्षा का अभाव क्या है। स्कूल ये प्राइमरी है, यानी कि यहाँ पांचवी तक पढ़ाई होती है, मगर ये देखिए, ये है क्लासरूम स्कूल का, जो फिलहाल ज्यादा अच्छी हालत में नहीं है। तो ये चीजें भी नोटिस करने वाली है कि ये टैलेंट यहाँ बच्चों में है, मगर सुविधाएं कुछ तो गड़बड़ है, थोड़ी सुविधाएं में कमी है। ये एक चार्ट पेपर जो बताता है आपको पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंट, प्रदूषण व पर्यावरण। क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से काला। तो ये है ऑफिस, यहाँ पे फोटो लगी है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। ये हमारे उत्तराखंड का नक्शा, भारत देश का झंडा, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। ये देखिए, ये गांव के बच्चों ने ये चार्ट पेपर तैयार किए हैं। तो टैलेंट की कद्र यहाँ देखिए, गणित में बनाए गए, हिंदी में चार्ट बनाए गए हैं। तो टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ मार्गदर्शन की कमी है। थोड़ा सा सही मार्गदर्शन अगर दिया जाए तो बच्चे गांव के हों या शहर के कामयाब हो जाते हैं। बहुत से गांव से ही तो बच्चे बाहर जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, गांव से ही। देखिए, पापा कहते हैं बोलो डॉक्टर, माँ कहती है इंजीनियर, भैया कहते हैं उससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम कलेक्टर, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, दीदी कहती घर रहकर ही उद्योग लगाओ। सभी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता। वाह, क्या कविता है। अब मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ स्कूल की जो कर्ता धरता यहाँ पर है, प्रिंसिपल कह लीजिए, टीचर कह लीजिए, सब कुछ यही है। इनका नाम है श्रीमती वैजंती माला। तो स्वागत है मैडम जी आपका राणा क्रिएशंस पे। और सबसे पहली चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि शिक्षा कितनी जरूरी है भविष्य में बच्चों के लिए? भविष्य में शिक्षा तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गई बच्चों के लिए। और शिक्षा न हो तो जीवन अंधकार है। बिल्कुल सही बात, शिक्षा का होना बहुत जरूरी हो गया बच्चों। बिल्कुल सही बात है। सुविधाएं क्या क्या है बच्चों के लिए यहाँ पर? यहाँ पर तो सारी सुविधाएं हैं बच्चों के लिए, बैठने के लिए चेयर्स हैं, खेलने के लिए खेलने का सामान है, यूनिफॉर्म है, बुक्स हैं, सारी सुविधाएं हैं बच्चों के लिए। और मुझे पता लगा कि सिर्फ आपके पास टोटल 9 बच्चे हैं स्कूल में, बस पूरे गांव से? विद्यालय में केवल 9 बच्चे हैं, लोग पलायन हो रहे हैं, गांव भी छोटा है, सारे लोग इधर, कुछ दिल्ली चले गए, कोई मसूरी चले गए, कुछ देहरादून चले गए। आपकी नजर में इसका क्या समाधान है कि पलायन को कैसा रोका जा सकता है? सरकार तो काफी सुविधाएं कर रहे हैं पलायन को रोकने के लिए। पलायन तभी रुक सकता है जब गांव में कुछ रोजगार हो। बिल्कुल सही बात है, रोजगार के बिना कुछ हो नहीं सकता। रोजगार की वजह से कोई लोग विदेश रहते हैं, कई लोग विदेश है तो उनके बच्चे वहीं चले गए, कुछ लोग देहरादून चले गए, जहां पर अपने आप है अपने बच्चों को वहीं सेटल कर रहे हैं।
और जबकि यहाँ पे सरकार की तरफ से मेरे ख्याल से मिड डे मील की सुविधा भी है। सारी सुविधाएं हैं, मिड डे मील बनता है, बच्चों के लिए फल है। आप थोड़ी देर पहले आते तो मैं नहीं, मैंने थोड़ी देर कर दी वरना आज मिड डे मील मुझे मिल जाता। चलिए ठीक, मिल के आपको फोटो दे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे फोटोज भेज सकते हैं, मैं इसमें जरूर लगाऊंगा। तो चलिए आइए अब मिलते हैं बच्चों से और देखते हैं बच्चे कितने टैलेंटेड हमारे। ये देखिए स्कूल का नजारा, यहाँ पे आपको देख सकता है ए बी सी डी सारी जगह लिखी हुई है। बच्चे अपना कैरम का गेम एंजॉय करते हुए, अपना अपना नाम बताओ भाई। वाह, एक एक करके नाम बताओ। आप नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ अपना। अच्छा मुझे पोएम कौन सुनाएगा हिंदी की, पहले हिंदी की। चलो हिंदी की सुना दो, वंशिका इधर आ जाओ। आ जाओ वंशिका, यहाँ पे आओ, आ जाओ इधर, इधर चलो, यहाँ बैठ के सुनाओ मुझे, चेयर पे बैठो, चेयर पे, और मुझे पोएम सुनाओ हिंदी की। पापा बन कर घर में सबकी दोस्त जाऊं, मन करता है जीवन कर दूर दूर उड़ जाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर चींची की शोर मचाऊं, मन करता है चक्की पीली लाल पतंग उड़ाऊं। बहुत बढ़िया, अब अंग्रेजी कौन सुनाएगा भाई, आ जाओ जल्दी जल्दी एक्शन करके भी है। यहीं पे खड़े को सुनाओ, चलो यहीं पे खड़ा, मैडम जी हटा दो, चलो सुना बेटा, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, वापस वापस फिर से। I am a little keeper, short and stout. This is my handle, this is my spout. When the water boiling, hear me shout. Just lift me up and pour me out. वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 25 दो 50, 25 तेरे पीछे 4, 25 सौ 100, 25 पंद्रह 100, 25 25 छः 100, 25 25 25 एक 25 सौ 100, 25 तेरे 25 सौ 200, 25 नंबर 200, 25 25 नंबर 200 50। 15 कम 15, 15 से 20, 15 से 45, 15 से 200, 15 पंजे 75, 15 से 90, 15 से 15, 18 से 20, 15 से 125, 15 से 150। वेरी गुड, चलो बाय बाय करो सारे।